गोवा में इससे सस्ते रुकने की जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं 100% चैलेंज देता हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, और इसकी लोकेशन जो है मेन बागाटोर बीच के पास है, या फिर बीच के इंट्रेंस से जस्ट लगभग अगर आप जाओगे तो 200 मीटर आपको बागाटोर बीच मिल जाएगा। तो ये वहाँ पर है, और गोवा की सबसे अच्छी और सस्ती जगह है ये रुकने की। जैसा कि आपने नाम देख ही लिया, इसका नाम है पप्पी चुलो। तो चलिए चल के दिखाता हूँ, मात्र 200 रुपये में आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी और आगे चलो, ये इनका बार एरिया है। अभी डे टाइम है इसलिए भीड़ नहीं रहे। अगर रात का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। ये बार एरिया है, यहाँ पर आपको जो भी कुछ चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, डे या नाइट कभी भी। और इनका मेनू, अगर आपको प्राइस की बात की जाए, मेनू की बात की जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत ही, अगर गोवा के हिसाब से बात की जाए तो बहुत ही कम प्राइस में बार एंड रेस्टोरेंट में इनके खाना मिल जाता है। तो चलिए मैं इनकी प्राइस दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप प्राइस देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, चिली कबाब, चिली मशरूम, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ अवेलेबल हैं। अगर बियर वर की बात की जाए तो वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर बार एंड रेस्टोरेंट के हिसाब से देखा जाए तो। तो ये हो गया पप्पी चुलो के मेनू। अभी मैं आगे चल के इनके रहने की जगह दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, ये पूरा बार एरिया है। रात में यहाँ पर पूरा डांस होता है, और रात में यहाँ पर लड़के लड़के सभी लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, और अपने इन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं। तो चलिए आगे चल के मैं आपको रुकने की जगह दिखाता हूँ, और रुकने की इसमें तीन ऑप्शन है, तो वो तीनों ऑप्शन को भी बताऊँगा। लेकिन पहले मैं इस रूम में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो कि केवल बॉयज रूम है, और इसकी प्राइस क्या है, 200। मतलब इन सारे बेड्स में बॉयज ही रुकेंगे। आप देख सकते हैं 2, 4 टोटल 6 बेड है यहाँ पे, और 6 बेड के साथ एक वाशरूम दिया है गया है। और वाशरूम की अगर बात की जाए तो वो भी ज़्यादा गंदा या भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर बात की जाए 200 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना AC भी दी हुई है और कितना अच्छा मेंटेन किया गया है। तो 200 रुपये में आपको गोवा में AC के साथ रह सकते हो आप लोग। और आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो, वाशरूम को दिखा देता हूँ। वाशरूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर मेरी बात की जाए तो, बट अगर बात की जाए 200 की तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। हैंड वॉश भी रखा हुआ है, और ऊपर शोवर भी लगा हुआ है, और गीजर भी है इसमें। ये एक अच्छी बात है, गीजर भी है, मतलब अगर आपको ठंडी लगती है तो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको 200 में दी गई है। इसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो भी बताऊंगा कि जहाँ पे लड़के लड़के साथ रहते हैं, कंबाइंड जो रूम होता है, ये तो केवल बॉयज़ के लिए है, एक गर्ल्स के लिए भी होता है और एक कंबाइंड होता है। तो ये बॉयज़ के लिए ये रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे लॉकर्स भी हैं आपको अपना सामान रखने के लिए। चलिए मैं लॉकर्स दिखाता हूँ, ये लॉकर्स हैं, इनमें आप अपना सामान या बड़ा वाला बैग, ट्रॉली बैग जो भी है आप रख सकते हैं। आपका ट्रॉली बैग बड़ी आसानी से इसमें आ जाएगा, लेकिन इसे लॉक करने के लिए, यहाँ इसे अटैच करने के लिए आपको एक छोटा सा लॉक लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज ये लॉक बेचेंगे लेकिन 100 रुपये में आपको देंगे, तो आपको लॉस ही हो जाएगा, इसलिए आप अपना कैरी करना छोटा सा एक लॉक। गोवा के सभी हॉस्टल में यही है, लगभग लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए आप कैरी करना। और बेडशीट की बात की जाए तो बेडशीट भी अच्छी कंडीशन में है, डेकोरेशन इस रूम का बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको ये बताता हूं, आप ये सॉकेट देख सकते हैं, एवरी बंक में सॉकेट भी लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो कंबाइंड रूम को के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें विदेशी भी आके रहते हैं, इंडियन के साथ साथ विदेशी लोग रहते हैं, विदेशी लड़के लड़कियां सब साथ में रहते हैं, तो वो कंबाइंड रूम होता है, और उसकी प्राइस जो है, उसका रेट जो है 250 रुपीज़ होता है। और तीसरा होता है कपल्स के लिए, कपल्स के लिए जो रूम है यहाँ पर वो 500 से 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, और रात में पूरी ज़बरदस्त पार्टी होती है यहाँ पर। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं हॉस्टल लाइफ, या फिर ये कहें कि नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, या नए कपल्स के साथ, विदेशी लोगों के साथ, तो आपको हॉस्टल में एक बार ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुककर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए लोगों और लड़के और लड़कियों से आप यहाँ पे मिल सकोगे। तो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।